कुछ लोगों का जो यह कमेंट आ रहा था कि जिया के परिवार वालों को क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने, एनिवर्सरी में जिया के परिवार वालों को भी बुलाना चाहिए था, उनको भी आना चाहिए था, आखिर ऐसी क्या बात होगी जो आप लोग उनको नहीं बुला रहे हो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। अभी बाबू जो है सो करके उठ चुका है और इसके नींद के क्या कहने, सुबह तो उठना नहीं चाह रहा था, फिर उसके बाद जो है इसका कपड़ा खुल गया, फिर इसका मसाज भी हो गया, मसाज होने के बाद फिर कपड़ा पहना दिया गया और यह भाई साहब जो है उठने का नाम नहीं, और अभी कुछ देर पहले उठे। हाँ कुछ देर पहले उठा है, कह रहा है हाँ मैं पापा की तरह हो गया हूँ, 9 बजे उठूंगा मेरा टाइम है 9 बजे, उससे पहले जो उठाओगे तो मैं रोऊंगा। कैमरा देख रहा अच्छे से। तो सभी कोई उठ ही गए हैं, तो अपने काम धाम पर लगते हैं जी। और बाकी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई ब्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाहर मौसम है जी बहुत ही कड़क, अभी बज रहे हैं देख रहे हैं 7:05 बज रहे हैं और 7:05 में ऐसा धूप, खतरनाक धूप है अभी। मम्मी का भी जो है सब्जी काटा हुआ सब हो गया है, पापा भी अब कोर्ट निकलने वाले हैं तो हमारे नाश्ते की भी तैयारी हो जाए। यहाँ पर और बाकी सब्जी भी कटता है, उधर देखे आलू कटा हुआ था, इधर देख रहे परवल कटा हुआ है और बैंगन कटा हुआ है, तो आज मतलब 3 सब्जी बनने वाली। अब सीधा चल रहे हैं जी सलून, बहुत दिनों से जो है अपना हेयर कट करवाया नहीं और बहुत दिनों से जो है शेव भी नहीं करवाया है, तो जा करके कुछ दाढ़ी अपना सेट करवा लेते हैं और अपना हेयर कट करवा लेते हैं। हेयर कट और थोड़ा सा दाढ़ी को जो सेट करवा लिया, अब सीधा चलते हैं घर, जा करके नहाते हैं। तो भाई साहब धूप तो और भी तेज हो गई है, बाइक पर जो बैठा हूँ उस बाइक की सीट इतनी गर्म हो गई है पूछिए मत, लग रहा है खोलते हुए तवे पर बैठ गया हूँ मैं। कोई बात नहीं कुछ देर में हो जाएगा ठंडा, अच्छा रहता अगर दोनों साइड से पेड़ रहता, मजा आता ऐसे रोड में बाइक चलाने में, एकदम हरियाली हरियाली नजर आए दोनों साइड से। ये जिस सामने डीएम कोठी, इसमें एकदम खेती से हो रहा है। एक चीज मैंने देखा है, जितने भी डीएम कोठी रहेंगे, एसपी कोठी रहेंगे, आईपीएस के कोठी रहेंगे, तो वहां पर देखता हूं खेती लायक जगह रहता है पीछे, क्यों दिया जाता है ये पता नहीं क्या रीजन है। मैं दिल्ली में एक सांसद के आवास में रुका था कुछ दिन, तो वहाँ भी इतना जगह नहीं मिलता है उन सबको, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ आईएएस आईपीएस को अच्छा खासा जगह मिल जाता है, एक तो रहने के लिए मकान और पीछे अच्छा खासा एरिया, आगे भी अच्छा खासा एरिया बागवानी करने के लिए, बड़ा मस्त है। तो जिनको बनना है आईएएस आईपीएस बनो, नेताओं से ज्यादा फैसिलिटी मिलेंगे। पहुंच गए जी घर, यहाँ पर बुआ जो है अपने दादा दादी से बात कर रहा है, पर क्या मजे में बात कर रहा है। देख रहे हैं मोबाइल की तरफ। और यहाँ पर हमारा खाना लग गया है जी, रोटी, एक नारियल का लड्डू और साथ में मिला हुआ है परवल की सब्जी। सुनमन बाई थी राजा बेटी, बाबू अब जो इसको घूमने का आदत लग चुका है जी, एक जगह स्थिर नहीं रहना है इसको, बस सब गोद में लो इसको घुमाते रहो। बाबू भैया बाप बेटा हमारा राजा हमारा छोना हमारा कुकरी हमारा बेटी हमारा, हमेशा शरीर कर लेगा धनुष की तरह। किधर देख रहा है बाबू, पूरा उल्टा देखता है। हाँ, किधर देख और करवट से उल्टा देखेगा और करवट से जनाब जो है अभी सो करके उठे हैं और एकदम खेल रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, इसका मसाज कर दिए लेकिन ये आँख नहीं खोल। भाई साहब इसका मसाज करने के लिए कपड़ा खोल दिया गया, मसाज कर दिया गया, कपड़ा पहना दिया गया, तो भी आँख नहीं खोला ये। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी वैसे ही हैं, सोना है तो बस सोना है, सोना में कोई डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल मजे में सोना है बाबू, है ना। बुआ गया हुआ है नीचे और जिया यहाँ पर अपना बेड जो है तैयार कर रही है, और नीचे है यहाँ बड़ा जैसा बुआ के लिए मैट, क्योंकि वह सुसु करते रहता है, तो सुसु जो है उसको इतने ही एरिया में करना है, लेकिन कई बार जो है इस एरिया से बाहर भी निकल जाता है। इसलिए सोच रहे बड़ा वाला आएगा ना वो डाल देंगे, बड़ा वाला बैठा था पूरा बैठ कर। बाबू जैसे नीचे जाता है तो सोचते हैं कौन सा काम कर ले कौन सा जोड़। तो बाबू है अभी अपने दादी के पास, अपने हिसाब से अभी काम नहीं होता है, बाबू के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। 1 hour later हमारा हो गया जी नहाना और अब जो है जाते हैं बाबू को नीचे से लेकर के आते हैं, बाबू जो है दादा दादी के पास गया हुआ है और उनको भी रेस्ट लेना है क्योंकि पापा आते हैं कोर्ट से, तो उसके बाद जो है खाना खा करके अपना थोड़ा कुछ देर के लिए सोते हैं, मुश्किल से 1 घंटा के लिए सोते होंगे वो।
और मम्मी भी इसी समय रेस्ट लेती है, तो बाबू अभी वहाँ रहेगा तो उन लोगों के लिए सोने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो बाबू को जो है साथ में लेकर के आ जाते हैं और बाबू के साथ साथ कोशिश करते हैं हम लोग भी जो है थोड़ी देर आराम कर लें और उसके बाद अपने दिनचर्या पर लगेंगे। जैसे ही नीचे है देख रहे हैं बाबू के रोने की आवाज आ रही है। संग आप जाए छे, आप दादी सुते, आप गुडनी जाते अपन पप्पा सोया मत है क्या अभी तक निठा नहीं अच्छा चलो ले जाते निठा नहीं है आप गुडनी जाते आप पप्पा आप दादा दादी सुते कनीटा तब उठते ना फिर बाबू की नौकरी करते बाबू का नौकरी तो करते ही है अभी बाबू इधर जिया का जो है बेड लगाया हुआ हो गया है, तब तक बाबू भी आ गया है दादी के पास से, दादी के पास खेलते खेलते सो गया है, तो अब इसको सोने देते हैं। उधर हमारा जो है चावल लग रहा है, चावल खाने जाते हैं, तुम जल्दी से नहा लो। बाबू उठ रहा है लेकिन सो रहा है, और जैसे ही हम लोग कुछ काम करते हैं ये उठ जाता है, वैसे सोया रहता है ना बउआ। कोई बात नहीं बेटू अभी सो जा थोड़ा सा, मम्मा काम कर रही है, हंस भी रहा है, सो जा बेटा। और बाहर चलते हैं देखते क्या हो रहा है। बउआ आँख खोल रहा है बंद कर रहा है, बउआ खोल रहा है बंद कर रहा है। हाँ जी, ट्राइपॉड अब इसलिए साफ कर रहा है क्योंकि जब से रिया की डिलीवरी हुई है तब से जो हमने शॉर्ट वीडियो डालना छोड़ दिया, रील डालना छोड़ दिया, ऐसा कुछ हो रहा था, मतलब बहुत सारा काम मेरा रुक गया था। बिल्कुल जी, तो सब कुछ छोड़ दिया था और हम लोग जो हफ्ता में कम से कम एक दो बार लाइव जरूर आया करते थे, इंस्टा पर बातचीत किया करते थे, तो वहाँ सब भी रुक गया था। और अब जो है लगभग डेढ़ महीने के बाद डिलीवरी के, तो लग रहा है कि कुछ समय हम लोग शायद निकाल सकते हैं। हाँ। तो आप जो है कुछ समय निकाल करके रील पर भी आएंगे और आप लोगों से लाइव से भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अभी मजा आएगा ना। तो इसको साफ कर लेते हैं, धूल जम गया है इसके ऊपर। और जी आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे ये फोटो फ्रेम कहाँ से लिया आपने, तो ये हमने इंस्टा के ऑनलाइन एक पेज है, उन्होंने मुझे भेजा था बाबू के गिफ्ट के तौर पे। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, एक ये फोटो फ्रेम है और एक बाबू का ये गुल्लक है जो कि बहुत ही प्यारा सा है, देख सकते हैं फोटो फ्रेम है, पूरा एकदम फोटो लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पे क्रियांस भी लिखा हुआ है, ये बेड है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक बेड रखा हुआ है, एक ये बैठने के लिए जो कि अभी बाबू बड़ा होगा तो बैठेगा, और इधर एक पेंटिंग है ये देख सकते हैं आप, इतना प्यारा है, इसमें भी क्रियांस लिखा हुआ है और स्टार वगैरह है। जो भी हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं उनको तो पता होगा ही, क्योंकि मैं जब भी पोस्ट करती हूँ किसी भी चीज को कि किसने भेजा है तो मैं नीचे जरूर मेंशन कर देती हूँ, और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आके जरूर जुड़िए क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है बाबू से रिलेटेड, और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, तो जरूर देखे जा करके। तो यहाँ पर दो डिलीवरी आया हुआ है, तो इसको लेकर के जाते हैं, मम्मी ने जो है नीचे ही रिसीव कर लिया था, अब इसको लेकर के सीधा चलते हैं ऊपर। हाँ जी, इसको खोलना, तो क्या आया हुआ है देखना, ऑर्डर किए थे, देखो तो क्या है, क्या है देखो, टॉवेल है ये बाबू का, दो टॉवेल आ गया ना से कम गया उसके पास, देखो तो कैसा टॉवेल है। तो सिद्धांति ये ऑर्डर पहले ही कर चुके थे और पूर्णिया का जो फर्स्ट किराया है वो बाद में गए थे, तो हमको ध्यान नहीं रहा कि इसको कैंसिल कर दे। वा, 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 वा। कोई नहीं, लेकिन कितना अच्छा टॉवेल है, इतना सारा शॉपिंग किए है तो अच्छा, खराब थोड़ी है, अच्छा है ना, बस बात खत्म। उसके अलावा दूसरे में देखो क्या है, चाकू लाना पड़ेगा, ये लो चाकू। अब जो ऑर्डर किए देखिए पहले पे सब शिप हो चुका है, अब कैंसिल भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, इस्तेमाल ही तो होगा, वेस्ट थोड़ी जाएगा कोई भी। यहाँ यहाँ इसको खोलो, यहाँ पर चाकू मारो आराम से, अच्छा आइडिया पसंद ही नहीं आता है, बस मेहनत करना है, जितना मेहनत करने का जरूरत था नहीं। बोलो क्या है, ये बल्ब होगा शायद, बल्ब है ना, ये जरूरी था, देखते हैं लगता है कि नहीं, खोलना तो इस तरह का है, फिट भी आएगा कि नहीं उसमें देखना पड़ेगा। इनको ऑर्डर करने में कुछ भी सामान इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, देख रहे हैं जी, नहीं आएगा फिट। तो हमारा जो ये टेबल लैंप है इसका बल्ब जो है जो पहले था वो फ्यूज हो चुका है, तो हमने सोचा कि ले आते हैं नया, लेकिन ये फिट आया ही नहीं, तो अब इसको रिटर्न करना पड़ेगा, दूसरा मंगवाना पड़ेगा। हंसते कैसे हैं बाप, यहाँ पे देख सकते हैं बाबू उठ चुका है, तो बाबू अब उठ गया है और अब इसका जो समय हो गया है दादा दादी के पास जाने का, शाम का शायद 4:30 से ज्यादा भी हो चुका है, तो ये वैसे 4 बजे चले जाता है, आज थोड़ा लेट से उठा है, कोई बात नहीं, दादा दादी इसके इंतजार भी कर रहे होंगे, तो लेकर के जाते हैं इसको। बाय बाय बाय, देख सकते हैं धूप में बारिश हो रही है, पतिदेव अभी कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, दौड़े दौड़े भागे हैं छत। A few moments later, तो अभी हम और जिया जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ सवाल आ रहे हैं,
तो सोचा कि उस सवाल का जवाब जो है हम और रिया मिल करके ही देंगे तो अच्छा रहेगा। जी हुआ ये कि कुछ दिनों पहले हमने एनिवर्सरी मनाई और एनिवर्सरी का जो वीडियो है उसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, उसके बाद जो है थैंक यू जी उसके लिए। और उसके बाद जो हमने दूसरा भी जो वीडियो डाला एनिवर्सरी का जो गिफ्ट था तो उसको भी बहुत सराहा आप लोगों ने, तो उसके लिए भी जी धन्यवाद। लेकिन उसमें जो है कुछ कमेंट आ रहे थे दोनों वीडियो में हमने देखा, चाहे वह यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वह इंस्टा हो, तो कुछ लोगों का जो यह कमेंट आ रहा था कि जिया के परिवार वालों को क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने एनिवर्सरी में, जिया के परिवार वालों को भी बुलाना चाहिए था, उनको भी आना चाहिए था, आखिर ऐसी क्या बात होगी जो आप लोग उनको नहीं बुला रहे हो, वो लोग आते और वो लोग आते नहीं है। तो सोचा कि चलिए इसका जो है जवाब दे ही देते हैं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वह सारा दूर हो जाए। तो जी बात कुछ ऐसी है कि जिया के जो घर में दादा दादी है वह काफी बीमार रहते हैं और उनकी जो देखभाल करने के लिए है जिया के मम्मी पापा ही है, तो उनको जाऊंगी तो आप लोगों को दादा दादी से जरूर मिलवाएंगे। और पहले भी हम लोगों ने ब्लॉग डाला है उसमें उन लोगों से मिलवाया है, लेकिन कई सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, उन्होंने वह वीडियो जो है नहीं देखा होगा। और बहुत हम कवर नहीं कर पाए थे कि दादी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में रहती है, उनसे उठना बैठना भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए मम्मी वहाँ रहती है, उनका पॉसिबल नहीं हो पाता है कहीं पे जाना आना। बिल्कुल एक दिन के लिए भी छोड़ना जिया की दादी को, जिया की मम्मी के लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब बाबू को देखने आई थी मम्मी तो उस समय जो है रिया को अपना पढ़ाई छोड़ करके भागलपुर से गाँव आना पड़ा था, फिर भी दादी बीमार पड़ गई थी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। एक दो दिन पहले ही हमारी चाची का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें कि उनका हाथ पूरा टूट गया था, तो अभी पापा उसमें भी थोड़ा बिजी रहते हैं क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ, तो इस वजह से भी थोड़ा घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था यहाँ पे अभी आ पाना। लेकिन अभी एक दो दिन में मम्मी पापा आएंगे बाबू से मिलने के लिए और हम लोग भी होगा तो जाएंगे। तो जिया का प्लान है मायका जाने का, तो जिया भी जल्द ही मायका जाएगी, तो फिर वहाँ जो है सभी से मुलाकात होगी ही। और बाकी जहाँ तक बात रही जिया के परिवार से किसी के आने की, तो जिया का भाई है मोलू, भाभी तो जिया के परिवार से ही है और उसका घर जो है नजदीक है यहाँ, वह कटिहार में ही रहता है। उसका भी घर कटिहार में ही है, तो उसको कभी भी हम बुलाते हैं कोई भी जरूरत होता है तो वो दौड़ा हुआ ही आ जाता है ना। बिल्कुल जी, और हमारे यहाँ जो भी फंक्शन होता है तभी में लगभग वो शामिल होता ही। तो उम्मीद करते हैं जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और जो भी कंफ्यूजन होगा मन में इस तरह का तो वह आपका दूर हो गया होगा। बाकी घर में कुछ भी बड़ा फंक्शन होगा तो उसमें तो बिल्कुल हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आना ही आना है, उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं चलेगी। और दादा दादी को भी कोशिश करते हैं कि बुला लें लेकिन वो लोग जा ही नहीं पाते, उनका हेल्थ कंडीशन ही कुछ ऐसा है, मतलब चल ही नहीं पाती है हमारी जो दादी है, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। और उनको बहुत सारा जैसे कि मास्क लगा रहता है, बिल्कुल एनी टाइम मास्क लगा रहता है, ऑक्सीजन मास्क, सांस फूलता है तो ऑक्सीजन भी लगाना पड़ जाता है, तो वो सब चीजें लेकर के बाहर चलना पॉसिबल नहीं, हर टाइम लाइट पे रहता है वो सब चीज। वैसे मैं घर जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि कितनी चीजें, जैसे आईसीयू में पूरा सब कुछ नहीं रहता है, वैसे ही जिया के घर में पूरा सेटअप बना हुआ है। तो हमें लगता है आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।